नमस्कार दोस्तों, मैं बेरे फ्री वर्ल्ड से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे साथ नितिन चौधरी और राजेंद्र सिंह राणा हैं, जो कि हाल ही में हुई अगस्त में 2019 में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक जो थी उसमें हमारे लिए, भारत के लिए मेडल प्राप्त करके आए हैं। बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। तो नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राजेंद्र सिंह राणा आपका बहुत बहुत स्वागत है। या राणा, राणा साहब, मतलब आप जो अभी स्वर्ण पदक भारत के लिए लेके आए जी, तो उसमें आप स्विट्जरलैंड में जो गए थे, तो आपकी जो जर्नी थी वहां तक जाने की स्पोर्ट्स की, उसके बारे में कुछ बताएंगे। जी हम यहाँ पे, हमारा बेंगलोर में ट्रायल हुआ था और वहां से हमारा सिलेक्शन हुआ था स्विट्जरलैंड जाने के लिए। तो हमें कुछ 15 दिन पहले पता चला था कि भाई आपको खेलने के लिए जाना है, आपका सिलेक्शन हो गया। तो हम वहाँ पे मतलब खेलने के लिए गए थे, बहुत अच्छा रहा था हमारा। वहाँ पे 4 दिन तक टोटल गेम चली थी और पहले दूसरे दिन ही मेरी गेम थी और शायद गोल्ड तो मेरा ही था, शायद सबसे फर्स्ट जो अपने इंडिया से बहुत सारे जो मेडल आए थे उसमें मेरा ही गोल्ड था सबसे पहला। बाकी और मेडल आए थे लेकिन गोल्ड सबसे पहले मेरा था और बहुत अच्छी बात है कि मैंने अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाया और अपने इंडिया का नाम रोशन किया। टोटल वहाँ पे 42 कंट्रीज आई थी पूरे वर्ल्ड से जो टॉप थी, तो उनमें से अपना इंडिया का नाम मैंने रोशन किया और इंडिया का सेकंड नंबर की रैंकिंग आई उधर, जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड जो उधर आए थे सारे कंट्रीज, तो उसमें से 42 कंट्रीज में से इंडिया जूनियर अंडर 17 और अंडर 20 दोनों में मिला के सेकंड नंबर पे, और अगर अंडर 20 का देखा जाए तो उसमें वो फर्स्ट पे है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है स्विट्जरलैंड के लिए। बहुत ही अच्छी बात है। नितिन, आप भी राजेंद्र सिंह के साथ मतलब पढ़े हुए हैं और साथ में हैं, तो आप दोनों मतलब कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं और कैसे आप मतलब बेंगलुरु तक पहुंचे थे जो आपका सिलेक्शन हुआ? सर हम बनासकांडा के पालनपुर से आ रहे हैं, तो मैं यहाँ साई ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो गांधीनगर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे सुनील तलवर करके मेरे कोच है हरियाणा से, उनके अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग करवाते हैं और जो जो उनके जो स्टूडेंट थे देवेंद्र जंजरिया, उन्होंने भी 2 बार ओलंपिक में वर्ल्ड कप बनाया हुआ है और उन्होंने मोटिवेशन किया कि आप आगे खेलो और देश के लिए मेडल लाओ। देवेंद्र जंजरिया तो ऑलरेडी अपने ओलंपिक के मेडल भी जीता है, भारत का नाम उन्होंने ही रोशन किया हुआ है। सो आप लोगों का अभी आगे क्या प्लान है? जी हमारा जो देवेंद्र जंजरिया के कोच है सुनील तलवर, उन्होंने सुनील तलवर जो कोच है उन्होंने कहा है कि दोनों का मतलब थोड़ा टारगेट आगे पीछे है। मेरा टारगेट है 2024 एशियन गेम और 2024 ओलंपिक और 2022 एशियन गेम, ये मेरे मेन टारगेट है। मेरा टारगेट ये है कि शॉर्ट में मैं 2020 में ओलंपिक खेलूंगा और 2022 में एशियन गेम, फिर 2024 में फिर से एक बार फिर से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाऊं, मैं मेरा अचीवमेंट करूंगा। वो तो पक्का ही है, हमको पता है कि आप पक्का लेने वाले, तो उसके लिए जो आप लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किस तरह की कर रहे हैं या तो क्या होनी चाहिए? सर जैसे कि अभी मेरे कोच है वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, पर हमारे पास अभी क्या बोलते हैं थोड़े से इक्विपमेंट्स की कमी है, जो कि हम अभी खेलो इंडिया की एक आ रही है इसमें हमारा सिलेक्शन होने वाला है, तो उसमें हमें और अच्छी फैसिलिटी मिलेगी ऐसी हमें आशा है और हमें और अच्छा डाइट्स और सब कुछ मिलेगा, तो उससे हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। आप जो इक्विपमेंट की बात करते हो, किस तरीके के इक्विपमेंट की मतलब आपको जरूरत है? जी मान लो जैसे कि हमें स्पोर्ट्स के लिए जैसे कि कोई चीज़ की जरूरत है, जैसे कि मैं थ्रो करता हूँ डिस्कस है तो डिस्कस की मेरे को जरूरत पड़ती है, फिर जैवलिन करते हैं तो जैवलिन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि आप डिस्कस फेंकते हो तो सिर्फ डिस्कस की जरूरत है, मतलब उसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि उसके लिए हमें एक्सप्लोजिव चाहिए, जंप चाहिए, पावर चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग रहता है, जैसे हाथ के लिए रहता है पुशअप वगैरह नॉर्मली, वैसे पैर के लिए हर्डल होती है जिसको कूदना रहता है, वैसे अलग अलग बहुत सारी चीज़ें रहती है छोटी छोटी, और उसमें से ही मतलब जो छोटा छोटा करके जो हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं सब मिलता है हमें, तो और अच्छे से मतलब हम आगे कर पाएंगे। बाहर के देशों में क्या होता है कि मतलब उनको फैसिलिटी पूरी अच्छी मिलती है, उनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारे मतलब
प्रॉपर मिलते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में मतलब क्या होता है, कई कई चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई हाँ ये नहीं है तो कोई नहीं, चलो ये कर लो वो कर लो ऐसे। तो मतलब क्या है कि जो चाहिए वो थोड़ा और अच्छे से आए तो हम और अच्छे से परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ा सकते हैं और अच्छा अपने इंडिया के लिए मेडल्स वगैरह ला सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे गवर्नमेंट को कि जितना हो सके आपको अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे। साई जो कि आपका गांधीनगर में सेंटर है वहां पे भी आपको एक अच्छा माहौल मिले, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा माहौल है वहां पे। जी। और मतलब नितिन आपका बैकग्राउंड क्या है, आप मतलब आपके माता पिता क्या करते हैं, आपका क्या किस तरीके का बैकग्राउंड है? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है जो कि, और मेरे पापा है वो अब हो गए हैं। जी। तो मेरा घर की परिस्थिति इतनी नहीं है जो मैं यहाँ पे डाइट के बारे में कर सकता हूँ अफेड। तो मतलब कि कोई हमारी जैसे हेल्प कर सके तो मतलब कि महीने के 15,000 या 10,000 जितना कोई मतलब हेल्प कर सके तो कर सकता है, डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट करके। नितिन अरे राजेंद्र सिंह जी आपका मतलब क्या है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड? और ये हमारे गांव में एक छोटा सा घर है, वहाँ पे हमारे घर वाले सारे रहते हैं और खेती करते हैं। पापा खेती करते हैं, मम्मी घर का काम करती है और घर से मेरे को 15,000-20,000 हर महीने भिजवाते हैं, क्योंकि मेरा जो खाने पीने का जो होता है तो अलग से मैं थोड़ा सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेता हूँ। तो सर ने हमें कहा है कि भाई ये भी थोड़ा बहुत चीजें जरूरी होती है तो हम वो चीजें लेते हैं, तो उसके लिए घर से मेरे पापा करते तो है लेकिन थोड़ा रहता है, कई बार किसी से मांगने पड़ते हैं ये वो। तो अगर वो थोड़ा ठीक हो तो हम और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम घर से पैसे मंगवाते हैं, घर वाले कई बार भेज भी देते हैं, कई बार मना भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार घर वालों का भी प्रेशर होता है, अरे इतने पैसे ले रहा है ये वो। मतलब थोड़ा सा पहले रहता था, अब तो उतना नहीं होगा क्योंकि हम मेडल लेके आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कि मतलब कोई हमें स्पॉन्सर वगैरह करे और हमारी थोड़ी हेल्प कर दे तो हम और अच्छा करना चाहते हैं आगे। तो दोनों का तकरीबन बैकग्राउंड सेम है, मतलब दोनों तकरीबन सेव गांव से, मतलब बनासकांठा के पालनपुर के नजदीकी गांव से आते हैं, दोनों एक ही जगह पे ट्रेनिंग लेते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाई की है आप दोनों ने पालनपुर में, राइट? पालनपुर विद्या मंदिर में। सो यू आर प्राउड फॉर दैट ऑल्सो। एंड तो मतलब की एक 15,000-20,000 अगर ज्यादा आपको मिल जाए दोनों को इंडिविजुअली, जो कि आपको गांव से मंगवाने पड़ते हैं आपके पेरेंट्स को बोल के, और वो भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो भी बहुत सारा मांग के बताना पड़ता है। तो जैसे अपने इंडिया की 130 करोड़ की जो मतलब जनसंख्या है उसमें से कोई एक बंदा तो ऐसा मेरे ख्याल से आराम से मिलेगा जो आपका शायद महीने का डाइट का खर्चा या जो भी आपका खर्चा आता है वो मिल जाए। और हम गवर्नमेंट को भी प्रार्थना करेंगे कि मतलब यू नो आपको कुछ ऐसा मिले, कुछ ऐसा सपोर्ट मिले, बिकॉज आपके पीछे इंडिया पूरा है एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट सपोर्ट। आपको कुछ मैसेज देना है राजेंद्र सिंह जी? जी हम कहेंगे मतलब गवर्नमेंट तो पूरी मतलब कर रही है कि भाई सपोर्ट दे रही है पूरी, लेकिन जो सपोर्ट दे रही है वो जो बाहर के देशों में हमने जाके देखा तो उससे थोड़ा सा कम है। अगर थोड़ा वो मतलब गवर्नमेंट अपनी लिमिट में करती है और भी उनको देखना होता है, लेकिन वो मतलब अच्छा करती है, अगर और अच्छे से मतलब करे तो और अच्छे से मतलब कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वगैरह ला सकते हैं। तो अभी तक तो किया है तो ठीक है, लेकिन अभी और भी अच्छा सा होगा और हम ऐसा सोच रखते हैं कि हमारे लिए और अच्छे से हो तो हम और अच्छे से परफॉर्मेंस वगैरह लाए। नितिन आपको कुछ बोलना चाहेंगे आप? मतलब सर जैसे मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि हम जैसे दोनों बाहर निकले हैं इंडिया से जैसे खेलने के लिए, ऐसे और कई बच्चे हैं जो पैरा वाले जो घर से बाहर नहीं निकलते, जिनके पेरेंट्स उनको नहीं निकालते डर की वजह से, तो उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि उनको डराओ मत या घर पे मिठाई ना रखो, हमारे जैसे उनको भी बाहर निकालो और उनको अपनी जिंदगी जीने दो और उनको भी अपने सपने पूरे करने दो। क्या बात है, पंख फैलाओ और उनको उड़ने दो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम लोग वही प्रार्थना करेंगे कि आप इंडिया के लिए और भी बहुत सारे मेडल्स लेके आओ और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। बाय।